भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने बताया कि भोजशाला का सर्वे स्वागत योग्य कदम है। हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा है। दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर अर्चना चिटनिस ने कहा कि ये तो उनके अंदर डर है, देश की संवैधानिक एजेंसी पर भरोसा नहीं है। इसका जवाब तो वह खुद ही बता सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली, ईडी के बार बार नोटिस देने के बाद कोर्ट में पेश न होना अरविंद केजरीवाल का चरित्र बता रहा था कि उन्होंने घोटाला किया है। और ईवीएम पे किसके निशाना साधा हमने के लिए, यह तो मुझे लगता है कि उनके अंदर का कुछ अपराध बोध है, या उन्हें कोई भय है, या उन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। इसका प्रश्न तो आपके प्रश्न का उत्तर तो वही बेहतर दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होता है, पूरी तरीके से कानूनी नियमानुसार पर्याप्त समय देकर, बार बार नोटिस देकर, भरपूर पूछताछ कर सत्यान्वेषण कर आज अगर ये कार्रवाई केजरीवाल जी पर हुई है तो इस पर कष्ट उन्हें है जिनको देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करना, या जो ये चाहते हैं ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी परिस्थितियां, भ्रष्टाचरण देश में चलता रहे, वह केजरीवाल के साथ है। देश के प्रधानमंत्री और एक प्रकार से भारत का भार सारी दुनिया में हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने वाले हम सबके नेता नरेंद्र मोदी जी के तरफ सारा देश आज एक भरोसे से, उम्मीद से और अमृत काल में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए देख रहा है। और ऐसे समय में कांग्रेस तो अपनी जगह है, हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि देश का उत्कर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है।